इंडिया गठबंधन ने, मैंने, अखिलेश जी ने मन बना लिया है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठका ठक डालेंगे। मीडिया वालों, जो बोलना है बोलो। जब हम गरीबों को पैसा देते हैं मनरेगा में, कर्जा माफी में, ये कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। आपको जो कहना है कह दो, हमें जो करना है हम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे। लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, सारे के सारे लोग होंगे। और फिर भाइयों और बहनों, क्रांतिकारी काम होगा। ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। वो भाई सरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हर परिवार में से, करोड़ों परिवार में से हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी, एक महिला चुनी जाएगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर उन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20, 30, 40, 50 हजार नहीं, 60, 70, 80, 90 हजार नहीं, 1,00,000 रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों और बहनों, 1 जुलाई को हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों और बहनों, ठका ठक 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए।